दोस्तों नमस्कार। आईसीसी वर्ल्ड कप के आयोजन को लेकर बहुत ही संवेदनशील है और क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ये आशय की खबरें अक्सर अब आ रही हैं और जो बहुत ही चिंता का सबब है कि पाकिस्तान संभव है कि इस वर्ल्ड कप में भाग ना ले। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन पीसीबी ने अपनी मंशा से अवगत जरूर कराकर सबको दहशत में डाल दिया। उसने ये कहा है कि पाकिस्तान का भारत में होने वाले वर्ल्ड कप में भाग लेना बहुत कुछ उसके विदेश मंत्रालय पर निर्भर करता है, विदेश मंत्रालय से उसे अभी तक स्वीकृति नहीं मिली है। तो ऐसी स्थिति में आईसीसी ने अपना प्लान बी भी तैयार कर लिया है, जिससे किसी तरह के कार्यक्रम में कोई तब्दीली ना की जाए। पाकिस्तान आता है तो मोस्ट वेलकम, दुनिया की नंबर दो टीम है, उसका स्वागत है तहे दिल से। बीसीसीआई भी उसका स्वागत करता है, आईसीसी भी स्वागत करता है, लेकिन आईसीसी ने जो है इसके लिए प्लान बी भी अपना तैयार कर लिया है कि किसी वजह से अगर पाकिस्तान भाग नहीं लेता है तो उस स्थिति में क्या होगा। पांच शहरों में वैसे पाकिस्तान को खेलना है, हैदराबाद, अहमदाबाद, चेन्नई, बेंगलुरु और कोलकाता में पाकिस्तान के मुकाबले रखे गए हैं और से अन्य टीमों की तुलना में उतना ज्यादा भागदौड़ नहीं होगी जितने कि भारत या ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड या अन्य टीमों को जो है अलग अलग शहरों में खेलना होगा। और 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक होने वाले इस वर्ल्ड कप में कुल मिलाकर 48 मुकाबले खेले जाएंगे। अहमदाबाद में बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबले हैं, भारत और पाकिस्तान का बहुप्रतीक्षित मुकाबला 15 अक्टूबर को है, ओपनिंग मैच यहां पर है, क्लोजिंग मैच यानी फाइनल मुकाबला भी यहीं पर ही है और इसके अलावा यहां साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान का मुकाबला और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का भी मुकाबला इसी मैदान पर होना है। अब जो आईसीसी का जो प्लान बी है उसके बारे में हम आपको बता दें कि इन दिनों आपको याद होगा, आप देख रहे होंगे कि क्वालिफायर्स चल रहा है और इसमें से दो टीमों ने क्वालिफाई करना है वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि अभी तक 8 टीमें तय हुई हैं और दो टीमों ने यहां से पहुंचना है क्वालिफाई करके। तो अगर पाकिस्तान की टीम नहीं आती या विदेश मंत्रालय किसी तरह की स्वीकृति देने में आनाकानी करता है तो ऐसी स्थिति में क्वालिफाई करने वाली टीमों की संख्या को 2 से बढ़ाकर 3 कर दिया जाएगा, यानी 3 टीमें उसमें क्वालिफाई कर जाएंगी, यानी वेस्ट इंडीज की बल्ले बल्ले हो जाएगी। आप पीछे तस्वीर देख सकते हैं वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों की और श्रीलंका और जिम्बाब्वे का पहुंचना करीब करीब तय लग रहा है, क्योंकि यहां से जो परफॉर्मेंस रहा है क्वालिफाइंग दौर में उसके उसमें क्वालिफाई करने वाली टीमों के खिलाफ जो उसका प्रदर्शन है, जो उसकी जीत है, उसके अंक कैरी फॉरवर्ड होंगे। इस लिहाज से श्रीलंका के जो है 4 अंक हैं और जिम्बाब्वे के भी 4 अंक हैं और इसका उन्हें निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा। और वहीं स्कॉटलैंड और नीदरलैंड की स्थिति भी वेस्ट इंडीज और ओमान से बेहतर है, क्योंकि इन दोनों टीमों के 2-2 अंक कैरी फॉरवर्ड हुए हैं, स्कॉटलैंड के भी और नीदरलैंड के भी, और इसके अलावा वेस्ट इंडीज और ओमान के कोई अंक नहीं है। लेकिन इससे वेस्ट इंडीज टीम को बहुत चिंतित होने की जरूरत नहीं है, अफगानिस्तान का उदाहरण आपके सामने है। 2019 का वर्ल्ड कप याद कीजिए, जब क्वालिफाइंग दौर में अफगानिस्तान उतरा था तब जो सुपर सिक्स से पहले के जो मुकाबले थे उसमें उसका प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं था अफगानिस्तान का, लेकिन अफगानिस्तान ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया था सुपर सिक्स में और बिना कोई अंक लिए ये कैरी फॉरवर्ड हुआ था सुपर सिक्स में, और यहां उसने जो है दूसरा स्थान हासिल किया था, यानी फाइनल में अपना स्थान सुनिश्चित किया था। अब फाइनल में पहुंचने के आधार पर इसको 2019 के वर्ल्ड कप में एंट्री मिल गई थी मुख्य चरण में। तो यह स्थिति क्या वेस्टइंडीज इस बार करने में कामयाब हो पाएगी, लेकिन बहुत कुछ पाकिस्तान पर निर्भर है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।